पापा नवरात्रि शुरू होने वाली है। हम सोच रहे थे कि इस बार नवरात्रि करेंगे, वो पूजा का सामान लाना है, तो थोड़ा पैसा दे देते तो। तुम्हारे स्कूल में टेस्ट एग्जाम कब से? 26 से। पढ़ रहे हो? हाँ पढ़ रहे हैं, पर मुझे तो नहीं दिख रहा है। इस बार अगर नंबर अच्छा नहीं आया ना तो फिर तुम देखना। पापा हम पढ़ रहे हैं लेकिन फिर भी डर है, इसीलिए हम सोच रहे हैं कि इस बार नवरात्रि। क्या नवरात्रि में दिल लगा के रखे हो? नवरात्रि करने से तुम्हें कोई घोके पिला नहीं देगा, पढ़ना खुद से पड़ेगा। पापा भगवान से इतनी नफरत क्यों करते हैं? भगवान नहीं होते हैं, और तुम भी कान खोल के सुन लो, ये नवरात्रि में पैसा बर्बाद करने से अच्छा है वही पैसों से तुम 4 ज्ञान ले लो, काम आएगा भविष्य में। अंधविश्वास की भावना मत रखो मम्मी की तरह अपने मन में, वो तो गई, भक्ति करते करते किसी दिन तुम भी चले जाओगे। आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं पापा? क्यों नहीं करें? लोग कहते हैं भक्ति करने से जीवन सुखमय रहते, तो तुम्हारी मम्मी भी तो भक्ति करती थी, वो कैसे मर गई? जवाब है इसका, बोलो। अरे यार हम तुमको कहाँ नहीं ढूंढे और तुम यहाँ बैठे हो, वो भी एकांत में, क्या कोई बात है क्या? नहीं यार। अच्छा नवरात्रि का क्या हुआ, पूजा का सामान लाया कि नहीं? नवरात्रि कर रहे हो कि नहीं इस बार? मतलब जो दुर्गा माँ का सबसे बड़ा भक्त होकर और नवरात्रि ना करे, ऐसा हो सकता है क्या? अरे यार तुम तो जानते ही हो ना मेरे पापा को। तो तेरा उदासी का असली जात तुम्हारे पापा है, उसने मना कर दिया क्या? हाँ तुम तो जानते हो मेरे पापा भगवान को नहीं मानते हैं, अगर उसके सामने ऐसे बात करेंगे तो वो मना ही करेंगे ना। हाँ ये तो है। पापा के लेक्चर सुन के तो कभी कभी मेरे मन में भी सवाल आते हैं, तुम ये बोलो क्या भगवान सच में नहीं होते क्या? भगवान को किसने देखा, क्या तुमने देखा है? तुमने देखा है? जिस किसी से पूछो यही कहता है मैंने नहीं देखा, फिर भी हम उनकी पूजा, तो आखिर फिर भी हम लोग पूजा क्यों करते हैं जानते हो क्यों? क्योंकि हमें विश्वास है कि हमारे ऊपर आए गए मुसीबतों को वो जरूर दूर करेंगे, वो जरूर टालेंगे। तुम ही लोग बोलो, हम सबको भगवान के ऊपर विश्वास है ना? हम लोगों को तो विश्वास है भगवान के ऊपर, क्या तुमने कभी ये सोचा है कि भगवान को हमारे ऊपर विश्वास है या नहीं? जरा देखा है कभी अपने अंदर झांक कर, हम भगवान को कब याद करते हैं? हम इंसान भगवान को तब याद करते हैं जब हमें उनकी ज़रूरत हो, भगवान को हमने एक वस्तु की तरह यूज करते हैं, जब जरूरत पड़ी तो उनके पास चले गए, जब जरूरत नहीं पड़े तो उसे नज़रअंदाज कर देते हैं। यही मनसा रखने वाले लोग कि जब भगवान नहीं सुनते हैं तो उन्हें काल्पनिक कहने लगते हैं। अरे एक बार निस्वार्थ भाव से भगवान से प्रेम करके तो देखो, उनकी भक्ति करके तो देखो, वो तुम्हें इतनी दे देंगे कि तुम्हें जिंदगी भर कुछ मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। काका काका आपका छोटा वाला लड़का छत से गिर गया। बेटा क्या हुआ इसको, क्या हुआ इसको? ये अभी जिंदा है? कैसे हुआ, क्या हुआ? छत पर खेल रहा था, फिसल के गिर गया। थोड़ा देर पहले देखे तो नीचे ही खेल। डॉक्टर साहब क्या हुआ मेरे बच्चों को? हमने हर कोशिश हर संभव प्रयास कर चुके हैं। डॉक्टर साहब किसी तरह मेरे बच्चों को बचा लीजिए, जितना पैसा लगेगा उतना देंगे, जमीन बेच के देंगे पैसा। हर वक्त दवाई और पैसा एक काम नहीं आता, कुछ माता रानी से भी विनती कीजिए, उनकी कृपा होगी तो सब ठीक हो जाएगा।
क्या तुमने कभी ये सोचा है कि भगवान को हमारे ऊपर विश्वास है या नहीं? जरा देखा है कभी अपने अंदर झांक कर, हम भगवान को कब याद करते हैं? हम इंसान भगवान को तब याद करते हैं जब हमें उनकी जरूरत हो। भगवान को हमने एक वस्तु की तरह यूज करते हैं। अरे एक बार निस्वार्थ भाव से भगवान से प्रेम करके तो देखो, उनकी भक्ति करके तो देखो, वो तुम्हें इतनी दे देंगे कि तुम्हें जिंदगी भर कुछ मांगने की जरूरत नहीं। नवरात्रि नहीं करोगे? पापा, रोहन को होश आ गया। माँ मैं कितना ना समझता जो तुझको ना पहचान पाया। माँ मुझे माफ करना। माँ तुम्हारी जय हो।